इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आदित्य एल1 से जुड़ी हुई खबर। आदित्य एल1 को अगली कक्षा में भेज दिया गया, ये जानकारी इस वक्त बड़ी सामने आ रही है। तो आदित्य एल1 की चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाई गई है। आदित्य एल1 ने सूर्य की तरफ कदम बढ़ाया। ऑर्बिट बढ़ाने के लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। इसरो ने बताया कि ये ऑपरेशन इस ट्रैक बेंगलुरु से किया गया और इस दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस पोर्ट ब्लेयर में बने हुए इसरो के ग्राउंड स्टेशन से ट्रैक किया गया है। तो इसरो ने आदित्य एल1 सोलर मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया था और ये सूरज के पास एल1 पॉइंट तक जनवरी के महीने पहुंचेगा। और अब इसको लेकर बड़ी अपडेट ये आ रही है, एक और नई छलांग। आदित्य एल1 की सूर्य की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया तेजी से आगे हो रही है। इसरो ने आदित्य एल1 पर ये बड़ी जानकारी दी है। तो सूरज के पास एल1 पॉइंट तक तो ये जनवरी के महीने में पहुंचेगा, लेकिन जिस तरीके से इसको ट्रैक किया जा रहा है इसरो के अलग अलग स्टेशन से, ग्राउंड स्टेशन से, उसको लेकर इस वक्त का जो ब्रेकिंग इनपुट है, आपको बता दें सूर्य की तरफ कदम अपना बढ़ाया है आदित्य एल1 ने। उसकी चौथी बार जो ऑर्बिट है उसको बढ़ा दिया गया है। आदित्य एल1 ने सूर्य की तरफ कदम और बढ़ा दिए। Z News.